भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के विरोध में ही रही है। लालू यादव पर भ्रष्टाचार को लेकर सुमो ने खुलासे किए और न केवल खुलासे किए बल्कि इससे महागठबंधन की सरकार गिर गई। इसके अलावा लालू परिवार को अब अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने लालू लीला नाम से किताब भी लिख डाली। इन सब बातों से लगता है कि सुमो लालू प्रसाद यादव के विरोधी हैं। लेकिन एक ऐसा मामला है जहां पर लालू यादव का अनुसरण करते हुए सुमो दिखाई देते हैं। दरअसल बीजेपी ने सुशील मोदी को राज्यसभा चुनाव में अपनी ओर से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अगर सुमो इस चुनाव को जीत जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव और नागमणि की ही तरह कारनामा करने वाले बिहार के तीसरे नेता बन जाएंगे। सुमो से पहले लालू और नागमणि राज्यसभा और लोकसभा के साथ ही बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। वहीं अगर सुशील मोदी यह चुनाव जीत जाते हैं तो वो भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और साथ ही अपने साथी नीतीश कुमार को राजनीतिक कैरियर में पीछे छोड़ देंगे। बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पिछली सरकार में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नई सरकार में बीजेपी ने उनकी जिम्मेदारी बदल दी है। अब वे बिहार विधान परिषद की आचार समिति के अध्यक्ष हैं। फिलहाल वे विधान परिषद के सदस्य भी हैं। सुशील मोदी लोकसभा और बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल यानी कि अब कुम्हरार सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। आगे साल 2004 में लोकसभा चुनाव में भागलपुर से निर्वाचित होकर वे सांसद बन गए। हालांकि 2005 में जब उन्हें बिहार बीजेपी विधानमंडल का नेता बनाया गया तब उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। वे दूसरी बार 2012 में विधान पार्षद निर्वाचित किए गए। अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि केंद्र की सरकार में उन्हें कोई मंत्रालय भी मिल सकता है। सुशील मोदी राज्यसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो वे राज्यसभा और लोकसभा के साथ ही और बिहार विधानसभा के सदस्य रहने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इसके पहले यह रिकॉर्ड बनाने वालों में उनके राजनीतिक विरोधी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का नाम शामिल था। लालू यादव 1977 और 1999 में लोकसभा के सदस्य रहे। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। वे 2002 में राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लालू 1980 से विधायक और 1990 में विधान पार्षद रहे। वहीं बिहार के दूसरे नेता की बात करें तो पूर्व मंत्री नागमणि भी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। वे 1977 में विधायक रहे, 2006 में विधान पार्षद बने और 1995 में राज्यसभा के सदस्य भी बने। 1999 में लोकसभा सांसद के तौर पर उन्हें जनता ने चुनकर लोकसभा भेजा था। देश के चारों सदनों में जाकर सुशील मोदी इस मामले में न केवल लालू यादव का अनुसरण करते दिखेंगे बल्कि अपने करीबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीछे छोड़ते हुए भी दिखाई देंगे। नीतीश कुमार लोकसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वे बिहार विधान परिषद के फिलहाल सदस्य हैं और बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि वे कभी भी राज्यसभा के लिए नहीं चुने गए।